नमस्कार, आदाब। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज सितंबर है। आज से 36 साल पहले 1982 में जब बाद दोपहर इस बात का पता चला कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब नहीं रहे, तो पूरी कश्मीर वादी में एक मातम का माहौल बन गया। कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा लोग उमड़कर श्रीनगर की तरफ आ गए और एक स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन बनी जिसमें लगभग 4 लोगों की मौत भी हो गई। जब खबर पहुंची दिल्ली तक तो सदर ज्ञानी जैल सिंह, नायब सदर जस्टिस हिदायतुल्ला और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी रुख कर लिया कश्मीर का। मेरा कहीं पे एक ऐसी नजर पड़ी है, किसी चीज पे लिखे हुए मैंने देखा है ये, कि ऐसा पहली बार शायद हिंदुस्तान में हुआ था कि बयक वक्त प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कैपिटल को छोड़ा हो और कहीं गए हो। ऐसी अहमियत थी शेख अब्दुल्ला साहब की। अनफॉर्चुनेटली शेख साहब का जो एरिया ऑफ पॉलिटिकल एक्शन है वो लिमिटेड था कश्मीर वैली तक। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वादी के बाहर भी जो खित्ते हैं जम्मू कश्मीर के, वो चाहे जम्मू और लद्दाख हो या पाकिस्तान के कंट्रोल में जो एरियाज हैं, वहां पे जो शेख साहब की पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस है वो अभी भी बहुत ज्यादा कॉन्टेस्टेड है, एंड लेट अस एक्सेप्ट दैट फैक्ट। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहता हूँ कि शेख साहब के जो अपने आइडियाज की वजह से, अपने इन्फ्लुएंस की वजह से, अपने फिलोसफी की वजह से, थिंकिंग की वजह से, उनकी शमूलियत हिंदुस्तान के उन लीडर्स, अनडिवाइडेड इंडिया भी और उसके बाद भी उन लीडर्स में शामिल थी जैसे नेहरू साहब, पटेल, जिन्ना, मौलाना आजाद, ही बिलोंग टू दैट लीग ऑफ लीडर्स। वो बेशक आइडियाज में, आइडियोलॉजीज में उनसे वो डिफर किया करते हों, लेकिन वो उस स्टेचर के लीडर थे। सियासत से हट के भी शेख साहब का जो इंटेलेक्चुअल लाइफ है, जो बाकी दानिश्वर लोग हैं, पोएट हैं, राइटर्स हैं, उनमें भी एक वसी दोस्ती शेख साहब की थी। जैसे मोहम्मद दीन तसीर हो गए, बाबा प्यारेलाल बेदी हो गए, जोश मलिहाबादी हो गए, हफीज जलंधरी थे और फैज अहमद फैज थे, ये तो इनके करीब तरीन दोस्तों में से माने जाते थे। जोश मलिहाबादी, हफीज जलंधरी साहब ने और फैज अहमद फैज साहब ने तो बहुत सारी अपनी शायरी भी शेख साहब के नाम की, लेकिन वो असल शेर जो शेख साहब की शख्सियत को, उनकी सियासत को, उनकी फिलासफी को, उनकी स्ट्रगल को और उनकी जिंदगी को सम अप करता है, वो इन शायरों ने नहीं कहा। वो तो शायद गालिब साहब कह रहे थे लगभग 150 साल पहले। गालिब साहब ने कहा था, नहीं कुछ सुबह और जुनर के फंदे में गिराई, नहीं कुछ सुबह और जुनर के फंदे में गिराई। मेरे तलफ़ुज में थोड़ी सारी दिक्कत आ सकती है क्योंकि उर्दू पे पूरी तरह से अबूर नहीं है। सबा यानी तस्बी से मुराद और जुनर के अर्ली जो अरब इस्लामिक सोसाइटीज, जहाँ पे जो गैर मुस्लिम को अपने आप को डिस्टिंग्विश करना होता था कि वो गैर मुस्लिम है, तो वो एक रोब या एक थ्रेड इस किस्म का जो पहनते थे जिससे पता चलता था कि ये गैर मुस्लिम है, ईसाई है या यहूदी है, तो जुनर उसको कहा जाता था। नहीं कुछ सबा और जुनर के फंदे में गिराई, वफादारी में शेख और ब्राह्मण की आजमाइश है। द लूप ऑफ द रोजरी एंड द सैक्रेड थ्रेड कैन नॉट होल्ड एनीवन। द रियल टेस्ट ऑफ द शेख एंड द ब्राह्मण इज इन फेथफुलनेस। फेथफुलनेस, वफादारी। अब किसकी वफादारी, किसके तई वफादारी, ये हम किसी इश्क या आशिकी की बात नहीं कर रहे हैं, एक सियासी शख्सियत की बात कर रहे हैं और एक सियासी तनाजर में बात कर रहे हैं सारी। जब तक जम्मू कश्मीर का जिक्र चलेगा, तब तक शेख अब्दुल्ला का जिक्र भी चलता रहेगा, और जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच या हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर को डिस्कस किया जाएगा, तब तक शेख अब्दुल्ला को और उनकी सियासत को भी डिस्कस किया जाएगा। आज अगर आप दिल्ली चले जाएं, वफादारी की बात चली है, आज अगर आप दिल्ली चले जाएं या हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएं, और जो न्यू एज पॉलिटिशियंस हैं, जो न्यू एज इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, उनसे आप बात करें, तो वो यही बताएंगे कि अगर शेख साहब ने वफादारी हिंदुस्तान के तई पूरी निभाई होती, तो आज रियासत जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान के साथ एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन होती। आज जिसको हम मसला है कश्मीर, कश्मीर कन्फ्लिक्ट, कश्मीर इशू, जिस मुसीबत में, जिस मुश्किल में पड़े हुए हैं, आज शायद इस किस्म का ये मसला नहीं होता। पाकिस्तान, उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो बुनियादी तौर पे ये मानते हैं कि अगर शेख साहब की वफादारी उनके साथ होती तो जो कश्मीर की तारीख का रुख है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता। अब अगर हम कश्मीर में आ जाते हैं तो वहां पे शेख साहब के लिए क्या कहा जाता है। एक जो चीज है, जो पूरा सम एंड सब्सटेंस जो
शेख साहब की सियासत को आज के कश्मीर में जो सम अप किया जाता है, अब ये लफ्ज कहते हुए गुरेज भी होता, लेकिन जिस तरह से कहा जाता वो है बिट्रियल, कि अगर शेख साहब ने कश्मीरी कौम के तई वफादारी निभाई होती तो आज कश्मीर के हालात ये ना होते। ये वो लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि जिन्होंने शेख साहब के साये के नीचे अपने सियासी कद बढ़ाया और अपना कद बढ़ाया और अपना सियासी कद भी बढ़ाया, वो भी जब कश्मीर में लोगों के साथ बात करते हैं तो वो कहेंगे कि शेख साहब ठीक से आपका जो लीडरशिप है वो नहीं प्रोवाइड कर सके, लेकिन जब वो दिल्ली में जाते हैं तो वहां पे जाके उनकी गुफ्तगू की जिस तरह से होगी कि शेख साहब की बहुत सारी गलतियां हैं, जिस दिन का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये एक इस किस्म की सिचुएशन भी है कि जैसा मैंने अर्ज किया कि शेख साहब का इंतकाल हो गया आज से 36 साल पहले, 25 साल की लगभग एक जनरेशन होती है। शेख साहब ने दो जनरेशन से ज्यादा लोगों के साथ सियासत की, उनकी सरपरस्ती, उनको सरबराई, उनको लीडरशिप प्रोवाइड की, लेकिन उसके बाद 36 साल हो गए हैं और आज के जम्मू कश्मीर में 70% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। अब उनको तो वो कहानी पता है जो शेख साहब के जाने के बाद की कहानी है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि एक इतनी मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी कि जिनके बारे में आप किसी भी सिचुएशन में शेख साहब को फिट कर सकते हैं, आप कि यहाँ पे एक औसत आमदनी की सतह जो रियासत जम्मू कश्मीर में ज्यादा गुर्बत नहीं है, यहाँ पे लोगों के हालात अच्छे हैं, तो जो लैंड रिफॉर्म्स का अगर कोई बेहतरीन बात आपने करनी हो तो आप शेख साहब को वहां पे फिट कर सकते हैं। आपने सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी हो तो आप शेख साहब को लाकर वहां पे फिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई किसी चीज का क्रिटिसिज्म है, कुछ गलत चीज हो रही है, तो आप वहां पे शेख साहब को लाकर फिट कर सकते हैं। तीनों खितों के बीच में हालात ठीक नहीं है, ये शेख साहब ने नहीं ठीक किए। अब जम्मू कश्मीर के खास करके वादी के दिल्ली के साथ हालात ठीक नहीं है, तो ये शेख साहब अपनी जिंदगी में कर नहीं पाए, खुश उनसे कोई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कुछ किताबें हैं, एक तो आतिश चिनार जो उनकी अपनी बायोग्राफी है और कुछ 10-12 और किताबें हैं, ये बहुत कम हैं। दिस इज ए वेरी यू नो लिमिटेड स्टडी ऑन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, एंड आई बिलीव शेख अब्दुल्ला इज ए फुल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन हिमसेल्फ। आने वाले वो रिसर्चर, वो लोग जिनका पॉलिटिक्स में, रिसर्च में जो बतौर स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट हो, चार एरियाज में समझता हूँ अहमियत के हैं। एक ये है कि रेवोल्यूशन में अगर आप समझना चाहते हैं, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में, स्टेट क्राफ्ट में और रिबेलियन में, ये चार एरियाज हैं जो शेख साहब की जिंदगी के डिफरेंट फेजेस हैं जो इसको पर्सोनिफाई करते हैं और इसमें शायद मजीद स्टडी की जरूरत है। शेख साहब के दौर के बारे में और सियासत के बारे में इतने अपहीवल्स, इतने अप्स एंड डाउन्स आए कि एक पूरी किताब इसके ऊपर लिखी जा सकती है कि चाइना को लेकर क्या नजरिया था, अमेरिका को लेकर क्या नजरिया था, और सेटलमेंट के बारे में वो क्या चाहते थे, कश्मीर के अलावा उनके वो क्या सोचते थे। लेकिन वक्त का भी मसला है, आप बहुत सारा डाटा स्पेंड करते हैं मेरा ये शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, इसलिए मैं 3-4 दिलचस्प बातों के ऊपर जो बहुत कंटेस्टेड बातें हैं उनके ऊपर थोड़ी सारी रोशनी डालूंगा। और उसके बाद मैं आज सोच रहा था कि अगर ये ना होता तो कैसा होता, यानी कुछ 4-5 हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, आई विल लीव एज ए फूड फॉर थॉट फॉर यू सो दैट यू कैन थिंक अबाउट द पर्सनैलिटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ शेख अब्दुल्ला। एक चीज जहन में आती है कि एक्सेशन, आज की जब आप सियासत समझते हैं तो शेख साहब के लिए तो कहा जाता है कि उन्होंने ही ये सारा माहौल छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अगर आप तारीख का अच्छी तरह से मुताला करें तो एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द यूनियन ऑफ इंडिया वाज मेड पॉसिबल एसेंशियली विद द सपोर्ट ऑफ शेख अब्दुल्ला। अगर शेख साहब की सपोर्ट ना होती तो एक्सेशन पॉसिबल नहीं होती। अभी जब बहुत सारे पेपर्स भी डिक्लासीफाई हुए हैं और बहुत सारी किताबों में भी आया है और लिखा लोगों ने कि जब महाराजा हरि सिंह ने प्राइम मिनिस्टर मेहरचंद महाजन को दिल्ली भेजा नेहरू साहब से मिलने के लिए, तो थोड़ी सारी वहां पर तल्ख कलामी हो गई। महाजन ने कहा कि अगर आप फौज जल्द अज जल्द कश्मीर में नहीं भेजेंगे तो महाराजा पाकिस्तान के साथ बात करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे, तो शेख इस बात के ऊपर गुस्सा हो गए, माफ कीजिए नेहरू इस बात के ऊपर गुस्सा हो गए। शेख अब्दुल्ला साहब जब ट्राइबल रेड हो रही थी या इसका पता चल रहा था तो वो ऑलरेडी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू साहब के घर में बैठे हुए थे
और वो उनको यही हिदायत दे रहे थे कि आप महाराजा के साथ बात करें, कुछ एक्सेशन की फॉर्मेलिटीज करवाएं ताकि फौज को वहां पे भेजा जाए और जो पाकिस्तान के डिजाइन है उससे कश्मीर को बचाया जा सके। तो यही जब महाजन के साथ थोड़ी तल्ख कलामी नेहरू साहब की हुई तो दूसरे कमरे से एक स्लिप आई जिसपे शेख अब्दुल्ला साहब ने नेहरू साहब के नाम एक अपना एक आइडिया उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा कि शायद ये जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है, हमें इस बात के ऊपर गौर करनी चाहिए कि फौज भेजनी चाहिए कश्मीर में। अब ये भी कहा जाता है, जो आज के कुछ मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं उसमें ये भी कहा जाता है कि अगर ये टाइमली एक एडवाइस उसी वक्त ना आ जाती तो महाजन पता नहीं क्या मैसेज वापस लेकर आते। तो इसकी वजह से एक्सेशन वॉज मेड पॉसिबल। दिस इज ए क्रूशियल एविडेंस दैट दिस इज हाउ शेख एक्टेड एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक दूसरा जो किस्सा है वो शेख साहब के अरेस्ट का है, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। वो गुलमर्ग में थे, वो रात को सोए हुए थे, एक डीएसपी गया, अहकामात किसके थे, नेहरू के हुक्म थे, बाद में नेहरू ने कहा मुझे पता ही नहीं था, ये सब चीज हो गई तो फिर बताया गया। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था। उस अरेस्ट के अगस्त के महीने में, उस अरेस्ट के बहुत दिनों बहुत हफ्तों पहले से कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे जिनको शायद शेख अब्दुल्ला साहब ने सीरियसली नहीं लिया। अगर वो उनको सीरियसली लेते तो वो शायद दिल्ली चले जाते और बात करते, कुछ गलतफहमियां थी उनको दूर करते। उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। उनकी शेख साहब की जो अपनी टीम है जिसमें सादिक थे, बख्शी थे, कासिम थे, धर थे, ये बाकी लोग थे, गिरधारी लाल डोगरा थे, ये बहुत सारे लोग, अंदर से ही रिबेलियन इनका चल रहा था। और ये डॉक्टर करण सिंह ने अपने जो खतूत लिखे हैं नेहरू के नाम और नेहरू से जो जवाब आया है उसमें पता चला है। अब जब शेख साहब को अरेस्ट कर लिया गया और हालात कश्मीर के कुछ इस किस्म के बने, आज ना आज आप शेख साहब के बारे में बात करें कश्मीर में तो एक नजरिया अलग है। 2010 में जैसे हमारे यहाँ पे हालात बने थे तो कहते हैं देखिए जी लोगों ने कितना वहां पे वायलेंस कितना हो गया, लोगों के कुछ पॉलिटिकल थॉट्स हैं, बिलीफ्स हैं, इसलिए वो आकर लड़ते हैं सड़कों के ऊपर, गोलियां खाते हैं और इतने लोग मारे गए। 2016 में आप देखिए 100 के करीब लोग फिर से मारे गए। जिस दिन शेख अब्दुल्ला साहब अरेस्ट हुए थे विद इन 5 डेज 46 लोग कश्मीर में इसी तरह से कन्फ्रंटेशन के दौरान, सिक्योरिटी फोर्सेस के दौरान कन्फ्रंटेशन के साथ 46 लोग मारे गए थे और 148 के करीब जख्मी हो गए थे। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अब जब बख्शी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो इस तरह नहीं कि वो पूरी काबीना वो बन गए, बाकी सारे लोग जो हैं वो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि ये हो क्या गया, शेख अब्दुल्ला जैसा आदमी अरेस्ट कर दिया गया, टॉपल हो गई उसकी गवर्नमेंट, ये हो कैसे गया। तो अगले कई दिनों में दो दो तीन तीन करके वजीरों को हल्फ दिलाया गया, लोगों को कन्विंस कर करके, परसुएड कर करके, तो फिर कई हफ्तों में जाकर बख्शी साहब की कैबिनेट को शेप अप किया गया। तीसरा इवेंट मैं बात करना चाहता हूं जब शेख साहब वापस आए 1975 में। ही वॉजेंट एग्जैक्टली द सेम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो 75 में 23 साल मुख्तलिफ बहुत वक्त तक, एक बार 11 साल तो मुसलसल जेल में रहे, कई बार जेलों में रहने के बाद, इतने स्ट्रगल करने के बाद वो 74 का एग्रीमेंट उन्होंने क्यों किया और 75 में वो आए क्यों, दिस ऑल विल ऑल्सो हैव टू बी जज्ड बाई द हिस्ट्री। लेकिन उसमें बुनियादी जो शेख साहब के जहन में शायद बात रही होगी वो ये है कि वो 22-23 साल की जो प्लेबिसाइट वगैरह की जो सारी बात हो रही थी उसमें शायद शेख साहब का ध्यान पाकिस्तान की तरफ था कि पाकिस्तान इस सारी मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। तो 64 में वो पाकिस्तान गए भी थे तो कुछ शायद सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेकिन जब बांग्लादेश की वॉर के बाद व्हेन पाकिस्तान गॉट डिवाइडेड, बांग्लादेश बन गया और शिमला एग्रीमेंट हो गया, पाकिस्तान इस कदर इस हद तक वीक हो गया कि शिमला में आकर उन्होंने ये भी मान लिया कि कश्मीर का मसला हमारे बीच एक बायलैटरल इशू है, हम दोनों ही मिलकर इसको निपटाएंगे। उस वक्त शायद शेख साहब को लगा कि ये अब दिस इज एन एंटायरली इंटरनल सिचुएशन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कश्मीर, अब इसको इंटरनली ही डील करना पड़ेगा, और वो वापस आ गए और सियासत करनी उन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद का जो दौर है आफ्टर 75 अंटिल हिज डेथ, आखिरी महीनों में तो वो बहुत ज्यादा बीमार थे, उसके बाद का जो दौर है उसमें शेख साहब वो शेख साहब नहीं थे जो 1953 से पहले थे। सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, ये सारी चीजें, ये सारे ट्रेट शायद शेख साहब में तब नहीं रहे थे। ही हैड बिकम अ लिटिल ब्रूट, अ लिटिल हार्ड, अ लिटिल हार्श, इस किस्म की कुछ उनकी पॉलिसी में और हर किस्म में जो एक
नजरिए में तब्दीली आ चुकी हुई थी। आज अफसपा के बारे में यहाँ पे बात चलती है, सबसे बड़ी सियासत इस वक्त जो मेन स्ट्रीम कैंप में जो सबसे बड़ी सियासत कश्मीर में है वो अफसपा को लेकर है, दिल्ली के साथ हमेशा ये कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कब हटाया जाए। पूरी तरह से अफसपा जैसा नहीं लेकिन लगभग इतना ही सख्त, लेकिन इन मेनी अदर वेज मोर ड्रैकोनियन देन अफसपा वाज द पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये शेख साहब ने अपने इस दौर में इनैक्ट किया, ऐसा क्या उनके जहन में आया? मेरे ख्याल से 75 के बाद उनका ये नजरिया था कि अब ये पॉलिटिक्स, वो जो पहली पॉलिटिक्स वो करते थे वो पॉलिटिक्स करने के अब हालात नहीं रहे हैं, अब प्योरली मेन स्ट्रीम पावर पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, और उस पावर को कंसोलिडेट करने के लिए अगर कुछ सख्त इकदाम भी लेने पड़ते हैं तो वो भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि 22 साल जिस कौम को आपने स्टैंड बाई पे खड़ा किया हो कि भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूं एक आपका जो पॉलिटिकल फेट है उसको तब्दील करने के लिए, लेकिन 22 साल के बाद आप एक दूसरा रास्ता इख्तियार करके आ जाते हैं, फिर आपको थोड़ा सख्त गिर हालात इकदाम लेने पड़ते हैं कि आप लोगों को चलाएंगे कैसे। वफादारी का जिक्र सबसे शुरू में, लॉयल्टी का, फेथफुलनेस की बात हुई थी, तो बख्शी भी शेख को छोड़कर चले गए, सादिक भी चले गए, कासिम भी चले गए, धर भी चले गए, गिरधारी लाल डोगरा भी चले गए, जितने करीबी उनके दोस्त थे वो छोड़कर चले गए, मौलाना मसूदी भी चले गए, सिर्फ एक दोस्त शेख साहब के इस सारी मुश्किल के दौरान रहे, वो थे मिर्जा अफसल बेग। लेकिन इस दौर में जब वो वापस आए, अफसल बेग और उनके बीच भी दोस्ती खत्म हो गई और बहुत बड़ी उनके बीच में आपस में कशीदगियां पैदा हो गई। कहते हैं कि शेख साहब इसके, ये बड़ा इल्जाम जो शेख साहब की वफादारी के ऊपर, दोस्ती के ऊपर, ये सारा बड़ा इल्जाम दिया जाता है। तो इसमें भी एक छोटा सारा किस्सा है कि ये मिर्जा अफजल बेग साहब अपने दामाद याकूब बेग साहब को MLC बनाना चाहते थे, तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, शेख साहब ने एग्री किया। तो आपको पता है कि जो ये कौंसिल, लेजिस्लेटिव कौंसिल वगैरह के इलेक्शन होते हैं, इसमें जितनी पॉलिटिक्स की अहमियत होती है उतनी ही मैथमेटिक्स की भी अहमियत होती है। तो शेख साहब ने 13 सीट्स वोट के लिए अलॉट कर दी याकूब बेग के लिए, लेकिन जब वोट हुए और उनकी गिनती नतीजे सामने हुआ आए तो याकूब बेग को 13 के बजाय 33 वोट मिले। अब ये बाकी 20 वोट कहाँ से आए, ये बाकी 20 वोट किसने दिलाए, और ये वोट दिलाकर कोई क्या साबित करना चाहता था, ये एक इतनी बड़ी अहमियत की बात थी जिसको शायद शेख अब्दुल्ला ओवरलुक नहीं कर सकते थे। एंड दिस इज बिलीव टू बी द स्टोरी बिहाइंड हिज फॉल आउट विद मिर्जा अफसल बेग। कंक्लूड करने से पहले 5 सवाल मेरे जहन में आते हैं, हाइपोथेटिकल सवाल, जो ये वीडियो देखने के बाद आप सोच सकते हैं और फिर शेख अब्दुल्ला की शख्सियत को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट ना किया होता तो जम्मू कश्मीर के साथ सियासी हालात आने वाले बरसों में कैसे होते, नंबर एक। नंबर दो, उनकी और महाराजा हरि सिंह की बिल्कुल नहीं बनती थी, 20 साल तो उन्होंने महाराजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महाराजा ने एक्सेशन की, सारा श्रेय तो महाराजा को जाता है कि एक्सेशन उन्होंने की, अगर वो महाराजा की एक्सेशन को सपोर्ट ना करते और अपनी लड़ाई महाराजा के खिलाफ जारी रखते तो तब हालात कैसे होते। तीसरी चीज ये है कि महाराजा साहब को यहाँ पे मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि बड़े पेनफुल सर्कमस्टांसिस में यहाँ से जाना पड़ा था और अपने जिंदगी के आखिरी 14 साल उन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर बिताए। अगर वो महाराजा के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते और ऐसे ही हालात बनाकर रहते कि महाराजा अपनी मौत के वक्त तक यहीं पे रहते तो तब जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के क्या, जम्मू में, कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में रिश्ते किस किस्म के होते। अगर वो दिल्ली एग्रीमेंट ना करते और दिल्ली एग्रीमेंट से 2 साल पहले से जिस किस्म के सियासी हालात बने हुए थे और वही जारी रखते तो तब क्या होता। और पांचवा और आखिरी सवाल है कि अगर वो 74-75 में अपनी पिछली पुरानी तमाम सियासत छोड़कर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रिटर्न ना करते, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो वापस ना आते तो उसके बाद कश्मीर के क्या हालात होते। ये इन 5 चीजों के ऊपर अगर आप सोचते रहेंगे, थोड़ा सा गौर करते रहेंगे, फिर जाकर समझ आएगी कि शेख अब्दुल्ला की क्या कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर के तहत, शेख अब्दुल्ला की क्या कंट्रीब्यूशन है
जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनाने में, तब जाकर थोड़ा शायद कुछ अंदाजा लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।